हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग मेकाबीटी का पार्ट टू अर्थात जो बचे हुए स्टेंजाज हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई लाइव सेशन एट 8:30 PM इन द इवनिंग। इन दैट सेशन वी विल डिस्कस the most important objective questions of the textbook and some essential rules of English grammar. तो दोस्तों, उसमें हम लोग आपसे जो भी बुक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो आपके ग्रामर के कॉमन रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं उसका हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रतिदिन शाम में 8:30 बजे से। तो दोस्तों, उस सेशन को मत भूलिएगा, आप जरूर ही ज्वाइन कीजिए 8:30 बजे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पोएम के लाइंस को देखते हैं। आपके सामने आपके बोर्ड पे कुछ लाइंस दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका फोर्थ स्टेंजा है आपके पोएम मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट। तो दोस्तों, मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट का पार्ट वन अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको पोएम अच्छा से समझ में आए। इसके जो रचनाकार है T.S. इलियट है, उनका पूरा नाम थॉमस स्ट्रेंस इलियट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मेकाबीटी मेकाबीटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबीटी फॉर ही इज फिन इन फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट यू मे सी हिम इन द स्क्वायर बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड मेकाबीटी इज नॉट देयर। तो चलिए दोस्तों, हमेशा के भांति सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है फिंड और दूसरा वर्ड है आपका फिलाइन। तो फिंड और आपका जो वर्ड है फिलाइन, तो फिंड मिस होता है आपका दुष्ट या बुरी आत्मा, फिलाइन मिस होता है बिल्ली या बिलार के भेष में। तो हम लोग यहाँ जो आपका फिंड इन फिलाइन एस सेफ है, इसे हम कह सकते हैं बिल्ली के भेष में शैतान। यहां से यहां तक हम बोल सकते हैं बिल्ली या बिलार के रूप में या भेष में शैतान या राक्षस। तो हम क्या बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं या राक्षस बोल सकते हैं। शैप मिस होता है दोस्तों आकार, यहाँ पे रूप समझिए, शैप मिस क्या होगा आपका आकार। तो यहाँ रूप इसी का है, यहाँ पे रूप। तो यहां से यहां तक एक फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो दोस्तों, डिप्रेविटी मिस क्या होता है, मॉन्स्टर मिस क्या होता है। तो मॉन्स्टर का भी हिंदी आपका होता है राक्षस और डिप्रेविटी मिस होता है दुष्टतापूर्ण कार्य। डिप्रेविटी मिस होता है दुष्टतापूर्ण कार्य। तो याद रखिएगा, डिप्रेविटी अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यहां पे इसका हिंदी होगा राक्षस। तो दुष्टपूर्ण कार्यों का राक्षस है। यू में मीट, मीट मिस दोस्तों मिलना, और यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है सी, इसको भी हम मिलने के सेंस में यूज करते हैं। हिम इन बाई स्प्रिट, दोस्तों यहां पे आर्टिकल आ गया है, इसका मतलब ये नाउन है। बाई स्प्रिट मिस होगा गलियों में, गली में। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर मिस होता है आपका चौराहा। बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स होता है किसी चीज का पता लगना, पता चलना या लगना। तो दोस्तों, आप वर्ड को भी नोट करते चलिएगा, मेकाबीटी इज नॉट देयर। वाह, तो चलिए हिंदी को देखते हैं। आप जानते हैं कि इसमें कवि एक समाज में जो अपराधी होते हैं, जो लोग बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उनको टारगेट करके इस कविता को लिखे हैं और उसके लिए वह एक बिल्ली की सहायता लिए हैं और उसका नाम वो रखे हैं मेकाबीटी। तो मेकाबीटी मेकाबीटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबीटी। तो दोस्तों, मेकाबीटी की तरह कोई भी नहीं है,
किस चीज में, अपराध के क्षेत्र में। तो मैकाबिटी जैसा कोई भी शातिर अपराधी नहीं है, यह अपराध का बेताज बादशाह है, इसका अपराध में कोई सानी नहीं है। फॉर इस किस लिए, हीज फिंड इन फिलाइन शैप अ मोस्टर ऑफ डेप्रेविटी, वह बिल्ली के रूप में एक राक्षस। जो मैकाबिटी है उसे आप बिल्ली मत समझिए, वह बिल्ली के रूप में एक राक्षस है। अर्थात जो समाज में कोई व्यक्ति है उसको टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप उसे इंसान मत समझिए, वो इंसान के रूप में एक राक्षस है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वह जो है दुष्टपूर्ण कार्यों का राक्षस है। मतलब जितना भी दुष्टपूर्ण कार्य आपके क्षेत्र में होंगे ना, सबको करने वाला कौन है, मैकाबिटी ही है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उससे गलियों में मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे मिलते नहीं हैं, आप उसे गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उससे चौराहों पे मिल सकते हैं। अर्थात वो खुला घूमता है, आप उसे कहीं भी मिल सकते हैं, आपको गलियों में मिल सकता है, चौराहे पे दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन दोस्त जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई घटना, कोई अपराध घटित हुआ है, कोई लूटमार हुआ है, कोई अपराध हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, मैकाबिटी इज नॉट देयर, तो वहां पे आपको मैकाबिटी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप अपने सभी ग्रुप्स में। तो दोस्तों आप इतना याद रखिएगा कि ये जो लाइंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और तो हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला स्टेंजा। तो चलिए इसके सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को देखते हैं। लिखा है कि ही इज आउटवार्डली, इसे इज पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वर्ब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल, दोस्तों आउट मीन्स होता है बाहर, आउटवार्डली बाह्य रूप से, रिस्पेक्टेबल आप जानते हैं आदरणीय, वह बाह्य रूप से आदरणीय है। जैसे वे कहते हैं ही चीट्स एट कार्ड्स, चीट्स एट कार्ड मीन्स दोस्तों होता है आपका गुप्त रूप से धोखा देना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चीट्स एट कार्ड्स मीन्स होता है किसी को गुप्त रूप से धोखा देना। आप किसी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसका आप नुकसान करते हैं, बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उसे कहते हैं चीट्स एट कार्ड्स। तो आगे बढ़ते हैं, एंड हिज फुट प्रिंट्स, तो दोस्तों फुट प्रिंट्स तो यहाँ पे आपका आशय हुआ पद चिन्ह, पद चिन्ह, फुट प्रिंट्स मीन्स क्या हुआ, पद चिन्ह, आर नॉट फाउंड। यहाँ पे कभी भी यदि वर्ब टू बी प्लस वर्ब थ्री हो तो समझिएगा डैश डैश जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिखा गया है, आर नॉट फाउंड, नहीं पाया जाता है इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो आप जानते हैं कि यह इंग्लैंड की जो क्राइम ब्रांच की उसकी एक हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड, इसे आप एक गुप्तचर संस्था भी बोल सकते हैं, उसके फाइल में इसका कोई भी पदचिन्ह नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ही आया आपका मैकाबिटी के लिए, अपराधी के लिए। तो यह जो आप मैकाबिटी है यह बाह्य रूप से बहुत ही आदरणीय है लेकिन वह पीठ पीछे गुप्त रूप से लोगों को धोखा देता है, और इसी कारण उसके कोई भी पदचिन्ह स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में आज तक नहीं मिला है, आज तक दर्ज नहीं है, उसमें नहीं पाया जाता है। एंड द लार्डर्स लूटेड, दोस्तों लार्डर्स मिस क्या होता है, लार्डर मिस होता है खाना की सामान रखने की आलमीरा, लार्डर मिस होगा आपका खाना की सामान रखने की आलमीरा,
और ज्वेल बॉक्स। ज्वेल किस दोस्तों, जो आप अपने घर में जो गहना आप रखते हैं जिस बक्से में, उसे हम कहेंगे ज्वेल केस। इज रिफल्ड दोस्तों, रिफल्ड मिस होता है आपका तितर बितर कर देना, बिखरा देना, मतलब उसको अस्त व्यस्त कर देना। अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, आप इसे बिखरा हुआ भी बोल सकते हैं। और जो खाना रखने की अलमीरा है, यदि उसको लूट लिया गया हो, अर्थात उस अलमारी से खाना खाने के सामान गायब हो, और ज्वेलरी का जो बॉक्स होता है आभूषणों का, यदि वो अस्त व्यस्त मिले, बिखरा हुआ मिले, अर्थात उसमें से यदि गहना चोरी हो गया हो, और वेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध गायब हो, और अनदर पेक्स, दोस्तों पेक मिस होता है आपका मुर्गा या मुर्गी, यहाँ आपका है हैज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब थ्री है, तो पेक्स हैज बिन स्टिफल। स्टिफल मिस होता है गला दबाकर मारना। तो यदि दूध गायब हो, आपके जो मुर्गा मुर्गी हैं उनका गला दबाकर मार दिया गया हो, गला दाब दिया गया हो, और ग्रीन हाउस ग्लास, ग्रीन हाउस मिस होता है पादप, ग्री ग्लास इज ब्रोकन। तो जो एक घर होता है जो शीशे का होता है, उसे पादप गृह कहते हैं। यदि उसका शीशा टूटा हुआ हो, और द ट्रेलिस, दोस्तों ट्रेलिस मिस होता है एक प्रकार का जाली। ये जो जाली होता है, जो आपके लतादार जो पौधे होते हैं या फल फूल होते हैं, तो उनको उस पे चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इसको हम छाजा के रूप में भी यूज करते हैं, इस पे खास करके लतादार पौधों को चढ़ाने के लिए। पास्ट रिपेयर, उसको तोड़ दिया गया हो, इतना तोड़ दिया गया हो कि अब वो मरम्मत योग्य नहीं हो। पास्ट रिपेयर मतलब मरम्मत योग्य नहीं होना। ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, लेकिन सुनिए, सबसे आश्चर्य की बात है ना कि इन सारे कामों को मेकाबिटी ने किया है, लेकिन मेकाबिटी इज नॉट देयर। जब वहां से मेकाबिटी भाग जाता है, जब भी कोई अपराध होता है, आपको पता चलता है, आप वहां जाते हैं, तो मेका बेटी वहां पे नहीं मिलता है। तो चलिए एक बार हिंदी देख लेते हैं। तो ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह बाह्य रूप से बहुत ही आदरणीय है, आप उसे देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वह एक अपराधी है, क्रिमिनल है, लेकिन वह गुप्त रूप से सभी को धोखा देता है। आज तक उसके जो पद चिन्ह है, आज तक उसके जो अपराध के सबूत हैं, वो किसी भी गुप्त संस्था, किसी भी पुलिस मुख्यालय के फाइल में दर्ज नहीं हुआ है। सारे अपराधों को करता है, लेकिन आज तक उस पे कोई फाइल, आज तक कोई उस पे केस चार्ज नहीं हुआ है। एंड द लार्डेस्ट लूटेड और द ज्वेल केस इज स्टिफल्ड, जब ये खाना रखने की अलमारी यदि लूट लिया गया हो, उसमें से खाना गायब हो, और जो आपकी ज्वेलरी होती है, आभूषण होता है, यदि उसके बक्से को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया हो, तो समझिएगा, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स हैड बिन स्टिफल, जब दूध गायब हो, और दूसरे जो मुर्गा मुर्गी हैं, यदि उनको मार दिया गया हो, उनका गला दबा दिया गया हो, और ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जो पादप गृह होता है, जो शीशे का घर होता है, यदि वह टूटा हुआ हो, और जो जाली बनाई जाती है फूलों को, पौधों को चढ़ाने के लिए, वो भी टूट गया हो, तो हैरान होने की बात नहीं है, आपको वहां पे मेकाबिटी नहीं मिलेगा, और इन सारे कामों का अंजाम देने वाला, इन सारों सारे अपराधों को करने वाला मेकाबिटी है, इसीलिए वो बाह्य रूप से क्या है, रिस्पेक्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो ये रहा आपका अगला स्टेंजा, ये थोड़ा सा बड़ा है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस, तो दोस्तों यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से आशय है विदेशी कार्यालय। दोस्तों आप वर्ड जल्दी से लिखते चलिएगा, फाइंड मिस पाला, यहाँ पे है ट्रीटीज गॉन एस्ट्री, और ट्रीटीज गॉन एस्ट्री, तो यहाँ पे सहमति नहीं मानना होगा, सहमति नहीं मानना, अर्थात किसी संधि का, किसी समझौता का उल्लंघन होना, अवहेलना होना।
और द एडमायरल्ट्री, यहाँ पे एडमायरल्ट्री मिस होता है उच्चस्थ अधिकारी, उच्च अधिकारी भी बोल सकते हैं आप इसको, उच्च अधिकारी। सम प्लान्स, द प्लान मिस होता है दोस्तों आपका योजना। ड्राविंग्स मिस होता है कोई चीज, हम खाचा तैयार करते हैं। तो हर विभाग, हर संस्था अपनी कुछ योजनाएं बनाती है और उसको लिखित रूप से खाका तैयार करती है। और यदि नौसेना का बात हो तो वहाँ पे आपका रूट ऑफ लाइन भी बनाए देते हैं खाका पे, पेपर पे खाका बनाकर, पेपर के तस्वीर खींचकर। बाय द वे अकारण, मतलब ऐसे ही, बाय द वे मीन्स क्या होगा आपका, ऐसे ही अकारण। देयर मे बी अ स्क्रेप ऑफ पेपर, दोस्तों स्क्रेप मिस होता है टुकड़ा, स्क्रेप ऑफ पेपर कागज का टुकड़ा। इन द हॉल, हॉल समझ रहे हैं आप लोग, बरामदा में, तो इन द हॉल बरामदा में, और ऑन द स्टेयर, स्टेयर मिस होता है दोस्तों सीढ़ी, तो आप बरामदा में, सीढ़ी में। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, दोस्तों इन्वेस्टिगेट मिस होता है जांच करना, लुक इनटू, मेक अप इट इज नॉट देयर। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, दोस्तों डिस्क्लोज मिस होता है पता चलना। तो जब लॉस पता होता है, जब हानि का पता चलता है, द सेक्रेट सर्विस, तो यहाँ पे गुप्त संस्था, तो यहाँ पे द सेक्रेट आपका जो सर्विस है, तो जो आपकी जासूसी संस्था होती है, गुप्त संस्था होती है, सेक्रेट सर्विस, जासूसी या गुप्त संस्था से वो कहती हैं, इट मस्ट हैव बीन मेकाबिटी, इसने अवश्य ही मेकाबिटी होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा कि जो भी घटनाएं घटित हुई हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, इन सब में मेकाबिटी ही होगा। कौन कहते हैं, जासूसी संस्थाएं कहती हैं। बट लेकिन ही इज अ माइल अवे, अ माइल अवे मतलब मीलों दूर होना, अभी घटना घटित होने के बाद मीलों दूर होना। यू विल बी श्योर, आप आश्वस्त होंगे टू फाइंड हिम, जब आप उसे ढूंढेंगे, कैसे, रेस्टिंग रेस्टिंग, जब आप उसे ढूंढेंगे ना तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि वह आराम करते हुए होगा। और लिख, लिख मिस होता है चाटना, लिख मिस क्या होता है, चाटना, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लीक ऑफ हिज थम्स, मतलब अपने सफलता पे खुशी मनाना, मौज करना। आगे लिखा गया है और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोस्तों जो हिंदी होगा, इंगेज मैंने व्यस्त होना, डूइंग मैंने करना, कॉम्प्लिकेटेड जटिल लॉन्ग डिवीजन सम मिस होगा कि अपने सफलता का मूल्यांकन करके मस्त होना। तो जब आप उसे ढूंढिएगा ना, तो जब आप मिलेगा तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे कि वह घटना के स्थल से मीलों दूर है और कहीं आराम कर रहा है और अपनी सफलता का मूल्यांकन कर रहा है और खूब मौज मस्ती कर रहा है। जैसे आप भी जानते होंगे कि जब आपके समाज में जब कोई अपराधी किसी अपराध को अंजाम देता है, किसी का मर्डर करता है, किसी का अपहरण करता है, तो घटना को अंजाम देने के बाद वो क्या हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, कहीं अकेले जाके खूब खाता पीता है, मौज मस्ती करता है। तो चलिए दोस्तों इसके हिंदी को आप देखते हैं, जल्दी से वर्ड नोट कर लीजिए। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड और ट्रीट इज गॉन एस्ट्रे, दोस्तों जब विदेशी कार्यालयों को यह बात पता चलता है कि जो समझौता था, जो संधि हुआ था, उसका उल्लंघन हो गया है। जैसे भारत और चीन के बीच बॉर्डर पे समझौता था, लेकिन बॉर्डर पर क्या हुआ, कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे सारे माहौल को बिगाड़ दिए। इसी प्रकार पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता है जो आपका LOC है और चाइना का LAC होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो जब पता चलता है तो द एडमायरल्ट्री लॉज सम प्लान्स एंड ड्राइविंग बाय द वे, तो जो अधिकारी होते हैं ना, तो अपने कुछ योजनाओं का
जो खाका वो तैयार करते हैं आकारण ही ऐसे ही उसको खो देते हैं। बहुत लोग जान जाते हैं जो रहस्य, हर संस्था का जो रहस्यमयी बातें होती है वे दूसरे लोग जान जाते हैं। जैसे कश्मीर के जो हमारा अपना जो सेना विभाग है उसके अधिकांश बात कश्मीर के जो क्रिमिनल्स है वो पहले जान जाते थे। देयर मे बी अ स्क्रेप ऑफ पेपर्स इन द हॉल और ऑन द स्ट्रीट स्टेयर। तो दोस्तों जब किसी चीज़ पर कोई चीज़ हो तो आपका ऑन होगा, और जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो आपका प्रेपोजिशन इन होता है। तो देयर मे बी अ स्क्रेप ऑफ पेपर, तो सीईओ पर या बरांडे में कुछ पेपर के टुकड़े भी हो सकते हैं, बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन यह पता लगाना कि किसने संधि का अवहेलना किया है, किसने ये जो प्लान्स है इसको लीक किया है, जो कागज के टुकड़े हैं किसने बरांडे में सीयू पे बिखेर दिया है, जब इसका पता लगाइएगा तो सुनिए पता लगाना क्या है। इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, जांच कराना बेकार है, क्योंकि इट मस्ट हैव बीन मेकाबेटी, अवश्य इन सारे कार्यों में मेकाबेटी ही होगा। बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन अभी वो क्या है, मीलों दूर है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लीकिंग ऑफ हिज थम्स और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स। मैं आप आश्वस्त हैं, आप श्योर ही होंगे कि जब आप उसको ढूंढेंगे देखेंगे तो वह अपने कार्यों का मूल्यांकन कर रहा होगा, और अपने कार्यों की सफलता का मूल्यांकन करते हुए वो खूब मौज मस्ती अभी कर रहा होगा, आराम कर रहा होगा। तो दोस्तों ये स्टेंजा आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए जो बचे हुए आपके लगभग दो स्टेंजाज हैं तो उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उस वीडियो में इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता देंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और आप अपनी सफलता में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।